देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है क्लास 10th के अंदर जो बहुत ज्यादा आसान है और उसमें स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जब तक आपकी स्टार्ट नहीं होती, जब तक आप राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट नहीं लेके आते, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब जिसमें आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सो लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमने बी पॉइंट पे राइट एंगल बनाया, 90 डिग्री बनाया। अब देखो, इसके अंदर आपके पास क्या है? तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर और एक होता है हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना होता है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। देखो, सबसे पहले हम पहचान हाइपोटेन्यूज की कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज की हमारे पास दो पहचान है। नंबर वन, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी? आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। और दूसरी इसकी पहचान क्या है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो क्या होगी आपके पास? हाइपोटेन्यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें 90 डिग्री आपका यहां पर बन रहा है, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है? एसी। तो एसी आपका क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। क्लियर? सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइपोटेन्यूज। उसके बाद जो मेन आपके पास है इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस, कि बेस की पहचान क्या है। देखो, जो बेस की पहचान है, बेस है लाइन कंटेनिंग, लाइन कंटेनिंग थीटा एंड 90 डिग्री, कि जिस लाइन के पास थीटा और 90 डिग्री दोनों होंगे वो क्या होगा? बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थीटा यहां ए पे बनाता हूं, तो जो ए बी लाइन है इसके पास 90 डिग्री भी है और थीटा भी है, तो ए बी इस केस में क्या हो गया? बेस हो गया। राइट? तो ए बी इसमें क्या है? बेस। और जो रिमेनिंग थर्ड साइड है वो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगी। रिमेनिंग थर्ड साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल, बीसी इसके अंदर है, तो बीसी इसके अंदर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर? अब अगर आपके पास, मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, और उस केस में फॉर एग्जाम्पल मैं जो अपना थीटा है मैं यहां ले जाता हूं, नेमिंग सेम कर लेते हैं ए बी और सी, तो इस केस में देखो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? जैसे उसने बोला लॉन्गेस्ट साइड या ऑफ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, तो इस केस में जो हाइपोटेन्यूज हमारे पास होगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अपोजिट टू 90 डिग्री एसी। ठीक है? बेस इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी है? बेस। बेस मैंने आपको यह बताया कि लाइन कंटेनिंग थीटा एंड 90 डिग्री। अब थीटा कहां पर है? यहां पर है, और 90 डिग्री यहां पर है। कौन सी लाइन कंटेन कर रही है? बीसी। राइट? तो इस केस में बेस क्या आ जाएगा? बीसी आ जाएगा। इस केस में आप बेस ए बी मत लेना। राइट? कई बच्चे सोचते हैं कि जो नीचे वाले साइड है वही हमेशा बेस होती है। नहीं, जिसके साथ थीटा और 90 डिग्री होता है वो बेस होता है। राइट? और परपेंडिकुलर क्या हुआ? रिमेनिंग थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी बची इसके अंदर? ए बी। तो ए बी क्या हो गया इसके अंदर? परपेंडिकुलर हो गया। राइट? सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज।